हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा सेशन है वो है आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री के आपके पास 20 सवाल हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। हमें क्या लगाना है, टाइम के हिसाब से इसको अरेंज करना है, ठीक है। पहला है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, दूसरा है सांप्रदायिक पंचांग, तीसरा है गांधी इरविन समझौता और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। तो इसको हमने टाइम के हिसाब से अरेंज करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। वैसे उससे पहले एक चीज़ देख लो, आपकी इसकी जो स्थापना होती है कब होती है, 1934 में, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब होती है, 1934 में। कौन करता है, वो करते हैं जयप्रकाश नारायण। कौन करते हैं, जेपी नारायण, ठीक है। सांप्रदायिक पंचांग क्या होता है, सांप्रदायिक पंचांग आपको पता होगा किसने जारी किया था, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, देख लेना थोड़ा, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड कब का है ये, 16 अगस्त 1932 का, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, गांधी इरविन समझौता, ये कब का है, 5 मार्च 1931 का। 5 मार्च 1931 का क्या है, गांधी इरविन समझौता है। गांधी इरविन समझौते को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था, दो महात्माओं का मिलन, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। तो ये होता है आपके पास चार जनवरी 1932 से चलता है और कब तक चलता है, ये 7 अप्रैल 1934 तक। कब तक चलता है, 7 अप्रैल 1934 तक। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा कौन सा, आपके पास आ जाएगा सी और तीसरा ऑप्शन, फिर आपके पास आ जाएगा कौन सा, चौथा ऑप्शन, फिर आपके पास आ जाएगा दूसरा ऑप्शन और लास्ट आ जाएगा आपके पास पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। ध्यान रखना, सांप्रदायिक पंचांग क्या था, किसने जारी किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गलत विकल्प का चयन करें। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, आज़ाद हिंद फौज मेजर प्रीतम सिंह की मानसिक उपज है। सी ऑप्शन है आपके पास, आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ। और ऑप्शन नंबर डी है, आज़ाद हिंद सरकार के परामर्शदाता रास बिहारी बोस थे। आर बी बोस वही है, रास बिहारी बोस, ठीक है। तो हमने क्या चुनना है, इसमें गलत सवाल, गलत ऑप्शन चुनना है। तो सही देखो, आज़ाद हिंद फौज आपको पता है ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो यहाँ पर तीन व्यक्तियों के नाम आते हैं, यहाँ पर पहली डाउट क्लियर कर दो, तीन व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक आते हैं कैप्टन मोहन सिंह, क्या है, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का नाम आता है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और तीसरे का नाम आता है आपके पास किसका, वो आते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब ध्यान ये रखना है कि जो रास बिहारी बोस थे, कैप्टन मोहन सिंह थे, तो उन्होंने इसका गठन किया था कब, 1 सितंबर 1942 को। किसने किया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है। अब याद क्या रखना है, कैप्टन मोहन सिंह का बाद में जापान के साथ थोड़ा जो भारत के इंटरेस्ट था उसको लेकर झगड़ा हुआ, तो कैप्टन मोहन सिंह को क्या किया गया था, फिर वहाँ पर नज़रबंद किया गया था जापान के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसका पुनर्गठन किसने किया, रास बिहारी बोस ने। तो आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया, रास बिहारी बोस ने। बाद में रास बिहारी बोस जब, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर आए, जापान में आए, तो वो बागडोर किसको दी उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस को दी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज मेजर प्रीतम सिंह की मानसिक उपज है, वो अपने आप में ठीक है। उसके बाद है, आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ। उसके बाद है, आज़ाद हिंद सरकार के परामर्शदाता रास बिहारी बोस थे। आज़ाद
हिंद सरकार जो कहाँ पर बनी है, सिंगापुर में बनी है, जिसके प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस थे, राष्ट्रपति भी थे और सेना अध्यक्ष भी थे, आज़ाद हिंद सरकार। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ऑप्शन नंबर दो का, सवाल नंबर दो का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ये पता तो होगा ही आपको कि मुंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जहां पर क्या दिया गया नारा, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया। पहला ऑप्शन है आपके पास अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है आपके पास क्या, 1942 की झांसी की रानी, क्या कहा जाता है इनको, 1942 की झांसी की रानी, झांसी की रानी। आपको पता है कि ऑपरेशन जीरो आर जब चला था उसमें भारत के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद अरुणा आसफ अली ने क्या किया था, मुंबई में जो ग्वालिया टैंक मैदान है उसमें क्या किया था, कांग्रेस का झंडा फहराया था। ठीक है, उसके बाद है मातंगिनी हजारा, मातंगिनी हजारा का संबंध भी किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से है, इनको कहा जाता है बूढ़ी गांधी, क्या कहा जाता है, बूढ़ी गांधी। इनको कहा जाता है बूढ़ी गांधी। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ओसा मेहता और डी ऑप्शन है आपके पास सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू आपको पता है किसके लिए जानी जाती है, वो जानी जाती है किसके लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस नाम आता है अगर इनका तो कहाँ पर आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आता है। ठीक है, अभी एक सवाल और है इन्हीं से रिलेटेड, तो वहाँ पर देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसा मेहता, ओसा मेहता ने क्या किया था, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था और कितनी तारीख को किया था, ध्यान रखना कब किया था, 14 अगस्त 1942 को ओसा मेहता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रेडियो का क्या किया था, प्रसारण किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कि भारत की आज़ादी का जो लास्ट प्रयास किया गया था वो इसी आंदोलन के माध्यम से किया गया था, ताकि इस समय आपको पता है कि क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट होता है ये युद्ध। ठीक है, कब तक चलता है, करीब करीब 15 अगस्त तक। ठीक है, 15 अगस्त 1945 जब जापान क्या कर लेता है, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। आत्मसमर्पण क्यों करता है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को किसने वो बम बनाया था, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था, ध्यान रखना, क्योंकि उस पर एक मूवी भी आई है जिसका नाम है ओपनहाइमर। क्या नाम है, ओपनहाइमर, जिस इस मूवी को क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, तो उसी की लाइफ पर बनी हुई है, उसका नाम ही ओपनहाइमर था। ठीक है, तो उसी के नाम से वो मूवी बनी हुई है और उसका योगदान ये है कि उसने क्या बनाया था, परमाणु बम बनाया था। ठीक है, उसके लिए एक उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर चौथे पे। सवाल नंबर चौथा है कि किसने कहा था कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। क्या कहा था कि नेहरू क्या है, देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था मौलाना आज़ाद ने। किसने कहा था, मौलाना आज़ाद ने। नेहरू देशभक्त हैं का मतलब क्या है कि नेहरू को किसकी पड़ी है, देश की पड़ी है, देश की पड़ी है, फिर वहाँ पे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि दोनों जो धर्म के लोग हैं भारत के अंतर्गत, वो उनके बीच क्या रहे, एक सामाजिक सौहार्द रहे, भाईचारा रहे, और इस वजह से जो मौलाना आज़ाद है उन्होंने इनको देशभक्त कहा था और जिन्ना को कहा उन्होंने राजनीतिज्ञ। जिन्ना को राजनीतिज्ञ कहने का मतलब क्या है, जैसे आज भी आप देखते हो भारत की राजनीति में धर्म जाति बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर दिखते हैं हमें, चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो काम किसका है, समाज को बांटने का काम होता है नेताओं का। तो इस वजह से क्या किया जाता है, मौलाना आज़ाद को क्या किया गया, क्या कहा गया, वो कहा गया आपका
एक राजनीति वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर पांचवे पे। किस अधिनियम को दासता का नया चार्टर कहा गया है, किस अधिनियम को दासता का नया चार्टर कहा गया है। ए ऑप्शन है आपके पास 1919 का अधिनियम, बी है 1935 का अधिनियम, सी है आपके पास 1892 का अधिनियम, डी है 1909 का अधिनियम। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1935 के अधिनियम को क्या कहा गया था, दासता का नया चार्टर कहा गया था। क्यों कहा गया था, भारत क्या मांग रहा था, अब स्वराज मांग रहा था, क्या मांग रहा था, स्वराज मांग रहा था, ठीक है। और आपको पता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने करी, जवाहरलाल नेहरू ने, वहाँ पर क्या मांगा गया, मांगा भारत ने अपने आप को क्या किया, पूर्ण स्वराज घोषित किया, क्या किया, पूर्ण स्वराज घोषित किया, ठीक है। और भारत को ये उम्मीद थी कि यार हमें मिल जाएगा पूर्ण स्वराज, लेकिन उन्होंने इस तरीके का अधिनियम बनाया कि भारत में, उस अधिनियम में भारत की आज़ादी व पूर्ण स्वराज का किसी भी तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं दिख रहा था, तो इसलिए कहा गया दासता का नया चार्टर, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर छः पे। तो इसके साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर छः पे, ठीक है। तो सवाल नंबर छः क्या है, पहला क्या है, झंडा सत्याग्रह किसका है, विनोबा भावे, दूसरा है केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक का, तीसरा ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, और उसका चौथा है साइंटिफिक सोसाइटी किसका है, जेबी कृपलानी का। तो हमें क्या बताना है, सही युग्म बताना है। तो झंडा सत्याग्रह विनोबा भावे का है, ये कब का है, 1924 का, ठीक है, 1924 का। एक झंडा सत्याग्रह विनोबा भावे ने कहाँ पर स्टार्ट किया था, नागपुर के अंदर स्टार्ट किया था। विनोबा भावे को कहा जाता है गांधी का क्या, गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, क्या कहा जाता है, गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, ठीक है, गांधी का। और इन्होंने एक और चलाया था, वो उसका नाम क्या है, भूदान आंदोलन, क्या चलाया था, भूदान आंदोलन, ठीक है। किसने चलाया था, विनोबा भावे ने, ठीक है। उसके बाद केसरी पत्र आपको पता है तिलक का है, तो ये कब निकाला था उन्होंने, 1881 को, ठीक है। उसके बाद दुर्गेश नंदिनी को याद रखना है किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला, ये क्या है, पहला, ये क्या है, अपने आप में पहला उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद है चौथा है साइंटिफिक सोसाइटी जेबी कृपलानी। तो साइंटिफिक सोसाइटी जेबी कृपलानी का नहीं है, बल्कि ये किसका है, सैयद अहमद खां का, ठीक है, सैयद अहमद खां का ये साइंटिफिक सोसाइटी है, ठीक है। कब बनाया था इन्होंने, ये बनाया था उन्होंने 1864 में। तो इस सवाल का जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, सही युग्म बताना है हमें, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 पे आ जाओ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके प्रयासों से पारित किया गया। अब ये पहली बात तो आपको याद रखना है किस साल का अधिनियम है, ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस साल का अधिनियम है, 1891 का अधिनियम है, ठीक है। कब का अधिनियम है, 1891 का। इसको बनाने में किसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम है बहराम जी मालावारी। उनका नाम क्या है, बहराम जी मालावारी। कौन है, महाराष्ट्र के पारसी समाज सुधारक। ठीक है। इस एक्ट में क्या है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का मतलब, इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि महिलाओं की उम्र कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जो लड़कियों की उम्र है शादी की वो 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए थी। इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। इस एक्ट को बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहराम जी मालावारी ने, ठीक है। तो इसके साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। उसके बाद देखो गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। गलत विकल्प का चयन करना है तो कैंपबेल अकाल आयोग किसका है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। कुशल अकर्मण्यता की नीति लॉर्ड लॉरेंस। फ्रेजर पुलिस आयोग लॉर्ड कर्जन। हिंदू महासभा की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हमें बताना है कि इसमें से गलत कौन सी
कौन सा आपके पास विकल्प है, ठीक है। तो कैंपबेल कुशल आक्रमणता की नीति लॉर्ड लॉरेंस अपने आप में ठीक है। कुशल आक्रमणता की नीति का मतलब क्या होता है, आपने खूब पढ़ा होगा कि ब्रिटिश ने, देखो ब्रिटिशों के विदेशी संबंध किसके साथ रहे हैं, आम तौर पे देखा जाए तो तीन देशों के साथ रहे हैं, वो रहा एक तो रहा है अफगानिस्तान, ठीक है, दूसरा देश रहा है बर्मा, बर्मा का मतलब है आज का जो आपका म्यांमार है, ठीक है, उसके बाद तीसरा जो देश रहा है वो रहा है नेपाल, और अगर चौथा देश रखना हो तो वो है भूटान, ठीक है। भूटान का ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें जहाँ मिलती हैं हमें अफगानिस्तान और बर्मा के साथ मिलती है, बाद में 1815 के बाद आपको नेपाल के साथ भी वो चीज़ें दिखती हैं। तो कुशल आक्रमणता की नीति सबसे पहली चीज़ तो याद रखना है कि ब्रिटिशों ने किसके साथ अपनाई, अफगानिस्तान के साथ अपनाई, ठीक है, किसके साथ अपनाई, अफगानिस्तान के साथ अपनाई, लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई, ठीक है, ये बात भी अपने आप में ठीक है। कुशल आक्रमणता नीति का मतलब क्या होता है कि हमें अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि केवल वहाँ के राजा को कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि उस समय पर रशिया भी लगातार क्या कर रहा था, जो एशिया का नीचे का हिस्सा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, उसमें लगातार क्या कर रहा था, इंटरफियर कर रहा था। इसलिए ब्रिटेन ने रशिया को दूर करने के लिए अफगानिस्तान के साथ जो भी नीति अपनाई उसको कहा जाता है कुशल आक्रमणता की नीति। उसके बाद है फ्रेजर पुलिस आयोग, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपको पता है ये कब का आयोग है, ये 1902 का आयोग है, ठीक है। लॉर्ड फ्रेजर किसके लिए, किसके लिए था ये आयोग, ये था पुलिस सुधारों के लिए, ठीक है, फ्रेजर आयोग का संबंध। उसके बाद है हिंदू महासभा की स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना ठीक है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर होती है। हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है, 1915 में होती है, ठीक है। कौन करते हैं इसकी स्थापना, मदन मोहन मालवीय, कौन करते हैं, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को इसलिए भी याद रखना है कि जब 1916 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में क्या चीज़ हुआ, दो चीज़ें हुई, एक तो नरम दल गरम दल का आपस में समझौता हुआ, दूसरी चीज़ हुई कि उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता किया गया, ठीक है। जब सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को क्या कहा था, राष्ट्रीय एकता का जनक कहा था, उस समझौते का विरोध हिंदू कांग्रेस और जो आपका मुस्लिम लीग है उसके बीच जो समझौता हो रहा था उसका विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इस तरीके से हमारा गलत युग्म चुनना है हमने तो क्या हो जाएगा, कैंपबेल अकाल आयोग, ठीक है। कैंपबेल अकाल आयोग कब का है आपके पास, वो है आपके पास 1866 का, कब का है, 1866 का है। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक नहीं है, बल्कि कौन है, लॉर्ड लॉरेंस है, कौन है, लॉर्ड लॉरेंस है। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे कैंपबेल अकाल आयोग बना था, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ब्रिटिश काल में जो आपके पास आयोग हैं वो आयोग चार पांच आयोग हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आयोग बनाया उन्होंने वो यही आयोग बनाया, कौन सा, कैंपबेल आयोग। क्या बनाया, कैंपबेल अकाल आयोग, अकाल आयोग है ये, ठीक है। कैंपबेल अकाल आयोग बनाया, ये कब बनाया, 1866 में बनाया। दूसरा बनाया उन्होंने स्ट्रैची आयोग, कौन सा बनाया, स्ट्रैची आयोग बनाया, स्ट्रैची आयोग बनाया उन्होंने 1878 में, ठीक है। उसका तीसरा बनाया इन्होंने लॉयल आयोग, कौन सा आयोग बनाया, लॉयल आयोग बनाया। लॉयल आयोग कब का है, ये 1897 का आयोग है। उसके बाद चौथा बनाया इन्होंने मैकडोनाल्ड आयोग, ठीक है, कौन सा बनाया, मैकडोनाल्ड आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग है, ये भी अकाल आयोग से संबंधित है, और ये है 1900 का आयोग, ठीक है। तो आपको ब्रिटिश सरकार के कितने आयोग ध्यान रखने हैं, चार आयोग ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 पे आए तो क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों का जो आप होली जला रहे हो या उनका दहन कर रहे हो उसको क्या कहा था, सर्वोत्तम व्यवहार कहा था ब्रिटिश के साथ। और ये किसने कहा था, ये आपको पता हो, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का विरोध किया था, साथ में उसके जवाब में महात्मा गांधी ने क्या बोला कि अगर हम इनके वस्त्रों की होली जला रहे हैं तो ये ब्रिटिशों के साथ क्या है,
सर्वोत्तम व्यवहार है। क्यों है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तो हमारे देश के अंदर ही राज करो, दूसरी बात हमारे देश के राजनीतिक आर्थिक संसाधनों पे आपने कब्जा कर रखा है, और उसी देश में जिस जो देश आपको बहुत कुछ दे रहा है उसी देश के साथ आप क्या कर रहे हो, लगातार उसकी आज़ादी और उसको दास्ता का लगातार उस पर दास्ता बनाए हुए हो। तो इस वजह से जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने आपको पता है कि किसका नारा दिया था, स्वदेशी का नारा दिया था। तो इसीलिए वहाँ पर विदेशी वस्त्र या विदेश से आने वाले जो भी वस्त्र हैं उसका विरोध किया गया, और कई जगहों पर उन वस्त्रों की क्या जलाई गई, होली जलाई गई। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, ये वाला कोट बोला था, ठीक है। उसके बाद आओ सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? एक है सी आर दास, दूसरा है एस सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का तो सबको ही पता है कि ये किससे जुड़े हैं, होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ा है, जिन्होंने कब स्टार्ट किया था ये, 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ पर स्टार्ट किया था ये, पुणे से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, पुणे से स्टार्ट किया था। तिलक का जो होम रूल आंदोलन था उसका मुख्यालय कहाँ पर था, उसका मुख्यालय पता होना चाहिए आपको कहाँ पर था, बेलगांव के अंदर, ठीक है। कौन था, कहाँ पे था, बेलगांव के अंदर। एनी बेसेंट का आपको पता है कि एनी बेसेंट ने भी क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था होम रूल आंदोलन को, कब किया था। इसके लिए दो डेट याद रखना, एक और तीन सितंबर, ठीक है, 1 और 3 सितंबर 1916 को किया था, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया था, मद्रास से। कहाँ से स्टार्ट किया था ये, मद्रास से शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, अडयार, मद्रास के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। तो एनी बेसेंट भी किससे जुड़ी हुई है, आपके होम रूल आंदोलन से जुड़ी है। एस सुब्रमण्यम अय्यर वो व्यक्ति है जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष रहा था। ये क्या था, एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन का क्या था, अध्यक्ष था, ठीक है। और रही बात बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था उसका अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बेपटिस्ता। उसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बेपटिस्ता, ठीक है। ये चीज़ थी बाल गंगाधर तिलक का, ये है। अब बचा आपके पास केवल एक ऑप्शन, सी आर दास, मतलब चितरंजन दास। तो चितरंजन दास का संबंध किससे नहीं था, होम रूल आंदोलन से नहीं था, बल्कि इनका संबंध किससे था, स्वराज पार्टी के साथ, ठीक है। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना कब होती है, 1923 में होती है, ठीक है। स्वराज पार्टी तब बनती है जब असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आपको पता है 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड होता है। उसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। इस बात से बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं, और जो नाराज़ रहते हैं उनमें से एक व्यक्ति का नाम क्या है, चितरंजन दास, और दूसरे व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस भी नाराज़ थे हालांकि, ठीक है। तो उन्होंने नई पार्टी बनाई कांग्रेस से बाहर, और उस पार्टी का नाम क्या रखा, पहले तो उस पार्टी का नाम था कांग्रेस खिलाफत पार्टी, स्वराज पार्टी। फिर बाद में उस पार्टी को केवल शॉर्ट में क्या कहा जाता है, स्वराज पार्टी कहा जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 10 का आपके पास ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 पे है कि महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। क्या लिखा है, महात्मा गांधी क्या थे। अब धरसाना कांड आपने सुना होगा, ठीक है। क्या सुना, धरसाना कांड कब होता है, मई 1930 में। ये किस आंदोलन का पार्ट है, ये आंदोलन का पार्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या है, पार्ट है। धरसाना नामक सत्याग्रह, धरसाना जो कांड हुआ था, धरसाना कांड किसने किया था, इसकी लीडर थी कौन, सरोजिनी नायडू। कौन थी लीडर, सरोजिनी नायडू। अब यही पूछ रहा है कि जब धरसाना कांड हुआ था तो उस समय पर महात्मा गांधी कहाँ थे। आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने के बाद महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, और कहाँ पर चले गए थे, उनको यरवदा जेल में रखा गया, ठीक है। कहाँ पर रखा गया, यरवदा जेल में रखा गया।
फिर इसी बीच कांग्रेस का आपके कांग्रेस का लंदन में क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें क्योंकि गांधी अभी रिहा नहीं होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग लेने नहीं जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी के साथ गांधी इरविन समझौता होता है, जो उस समय पे भारत के वाइसरॉय रहते हैं लॉर्ड इरविन, वो गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को क्या करते हैं, गांधी इरविन समझौता करते हैं, जिसके बाद गांधी फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ हम डिटेल में क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो आप लोग जो भी हो, जो वीडियो देखता हो, अगर आपने क्लास ज्वाइन करी है तो ठीक है, अगर पहले पढ़ा है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू में पहली बार पढ़ रहे हो तो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। अब ये सवाल है तो ये सवाल वहीं से उठाए गए हैं, अब आप केवल सवाल करोगे तो पता नहीं चलता है। क्लास के अंदर क्या होता है कि पूरा एक कहानी के तौर पे हम कहानी जैसे पूरा इतिहास पढ़ लेते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यरवदा जेल में हो जाएगा। ठीक है, साबरमती जेल कुछ है नहीं, आगा खां पैलेस कहाँ पे है, ये 1942 के दौरान गांधी को यहीं रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू रहे हैं कुछ टाइम तक, फिर बाद में कहाँ पे आए वो, अल्मोड़ा जेल में आए। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 देखो, निम्न में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी, अरुणा आसफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी आपके पास किससे, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। अरुणा आसफ अली, हमने पीछे भी देखा अभी कि इनको क्या कहा जाता था, 1942 की झांसी की रानी कहा जाता था। ठीक है, दूसरी चीज़ इनके बारे में क्या याद रखनी है कि जब भारत के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भारत के जितने भी बड़े नेता थे वो सारे गिरफ्तार किए गए, तो अरुणा आसफ अली ने बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में क्या किया था, कांग्रेस का झंडा लहराया था। ठीक है, इनका नाम इसलिए याद रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 4-5 महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक नाम अरुणा आसफ अली का है, दूसरा नाम उषा मेहता का है, तीसरा नाम मातंगिनी हजारा का है। इन तीन महिलाओं के बारे में ठीक से आपको पढ़ना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया है। अरुणा आसफ अली को एक बात और कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 1997 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। क्या मिला था, 1997 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, इसके साथ सवाल नंबर 13 पे आते हैं। अब सवाल नंबर 13 है, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। ठीक है, तो आपको चार चीज़ें दे रखी हैं, उसको आपको टाइम के हिसाब से अरेंज करना है, और नीचे उसका विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है कौन सा सही उत्तर है। सबसे पहली चीज़ है, पता होना चाहिए कि केवल वैसे नहीं कि पता होना चाहिए कि अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन आपको पता है कब होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है आपके पास 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, कैबिनेट मिशन आपको पता है कब पहुंचा भारत में, 24 मार्च 1946 को पहुंचा। ठीक है, उसके बाद आता है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये मनाया जाता है, ये किया जाता है उनके द्वारा कब, 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना, जिन्ना द्वारा कांग्रेस जो शिमला समझौता होता है वहाँ पर जिन्ना द्वारा पूरी तरीके से क्या दी जाती है, अपनी असहमति दी जाती है, किस पे दी जाती है। आपको पता है कि जून 1945 में क्या हुआ था, वेवेल योजना आई थी, वेवेल योजना से पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स से पहले क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। जब जून 1945 में क्या हो रही थी, वेवेल योजना आई, तो वेवेल योजना को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरीके से नाखुश थे, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वो चाहते थे कि सारे के सारे लोग, अगर मुस्लिमों का चयन करना है वहाँ पे, तो सारे के सारे लोग कहाँ से आने चाहिए, मुस्लिम लीग से आने चाहिए। ठीक है, उस बात को लेकर विवाद था, क्योंकि जो मौलाना आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, वो कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बने। इसका विरोध किया किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर शिमला समझौता हुआ। ठीक है, और शिमला समझौता का विरोध किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, और ये कब किया, कब हुआ ये आपके पास, ये भी हुआ 1946 में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे
पहली जो चीज हुई है वो होती है कब, 24 मार्च को, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, दो। बस अगर आपको इतना पता है 24 मार्च को होता है तो ये अपने आप में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है दूसरा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है 1946 में, ये होता है करीब करीब जून के आसपास, कब होता है, जून के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा। और उसके बाद हो जाएगा आपके पास लास्ट में कौन सा, 24 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, 2, 4, 3 और 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, ठीक है। मित्र मेला को किसने शुरू किया था, ऑप्शन है श्याम जी कृष्ण वर्मा, दूसरा है विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा है लाला हरदयाल, चौथे हैं सोहन सिंह भाकना। तो मित्र मेला किसने बनाया था, मित्र मेला बनाया था आपका, मित्र मेला किसने बनाया था आपका, तो श्याम जी कृष्ण मित्र मेला का जो बनाया वो बनाया विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया, कब बनाया ये बनाया कब, 1899 को, ठीक है। कहाँ पर बनाया, ये बनाया आपका नासिक में, कहाँ पर बनाया, नासिक में बनाया, ठीक है। मित्र मेला देखो बाद में जो विनायक दामोदर सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर किससे प्रेरित है, मैजिनी से प्रेरित से, मैजिनी जो इटली के एकीकरण के लिए बहुत प्रमुख व्यक्ति है उससे प्रेरित थे। उसी के तौर पे एक उस मैजिनी ने एक अपना संगठन बनाया था, उसका नाम था यंग इटली, क्या नाम था, जिसको हम कहते हैं तरुण इटली, क्या कहते हैं, तरुण इटली, यंग इटली जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इससे प्रेरित था, इसी के तर्ज पर उसने मित्र मेला का नाम क्या कर दिया गया, इसी के मित्र मेला का नाम बाद में 1904 में उन्होंने क्या किया, अभिनव भारत समिति, क्या किया गया, अभिनव भारत समिति। तो आप कहीं कहीं पढ़ोगे कि अभिनव भारत समिति की स्थापना 1899 में हुई, सन वो गलत है क्योंकि 1899 में विनायक दामोदर सावरकर किसकी स्थापना करते हैं, मित्र मेला की स्थापना करते हैं, लेकिन बाद में यंग इटली से प्रेरित होकर वो उसी का नाम 1904 में क्या कर देते हैं, अभिनव भारत समिति, ठीक है। तो अभिनव भारत समिति की स्थापना होती है 1904 में, कौन करते हैं, वही वीडी सावरकर या जिसको हम वीर सावरकर भी कहते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम है इनका एक है मिस्टर जैक्सन की हत्या, ठीक है। किसकी हत्या है, मिस्टर जैक्सन, ये अपने आप में जज थे, मिस्टर जैक्सन की हत्या किसने करी थी, इनकी हत्या उनका नाम है लक्ष्मी अनंत कन्हरे ने, इनकी हत्या किसने करी थी, लक्ष्मी अनंत कन्हरे ने, लक्ष्मी अनंत कन्हरे ने जब इनकी हत्या की तो बाद में इनको फांसी की सजा मिली, ठीक है। और लक्ष्मी अनंत कन्हरे का संबंध भी किससे रहा है, अभिनव भारत समिति से रहा है, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आइए सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 आपका क्या है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। तो वो अपने आप में किसका नाम था, वो था तात्या टोपे का, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तात्या टोपे का। 1857 का विद्रोह अगर आपने पढ़ा हो तो तात्या टोपे ने कहाँ से यह विद्रोह को लीड किया था, कानपुर से, और कानपुर में कौन थे, कानपुर में थे नाना साहब, कौन थे, कानपुर में नाना साहब, और नाना साहब की क्या थे ये कमांडर थे, कौन, तात्या टोपे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में जो तात्या टोपे है उनका बचपन का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, कि बंगाल में जो बंगाल का जो विभाजन हुआ, ठीक है, बंगाल का विभाजन कितनी तारीख को हुआ, घोषणा हुई आपकी कब, 20 जुलाई 1905 को क्या हुई, घोषणा हुई, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ हुआ, लागू कब हुआ ये, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, ठीक है। इसका जिक्र किसने किया था, इसका जिक्र किया था संजीवनी पत्रिका ने,
ठीक है, ये चीज़ें। अब ये है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में भारत के अंतर्गत कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन को लीड किसने किया था? एक व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पे, उनका नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो भारत में स्वदेशी आंदोलन पनपा, उसको लीड किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये ठीक है। उसके बाद आओ सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 आपका क्या है? निम्न में से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? वो किया किसने? सैयद हैदर रजा ने। किसने किया वो? सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन वही है जो बंगाल विभाजन, इसी को कहा जाता है बंग भंग विरोधी आंदोलन। क्या कहा जाता है इसको? बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को लेकर बहुत सवाल हैं। सबसे पहली चीज़ है कि स्वदेशी आंदोलन में जो बहिष्कार का प्रस्ताव हुआ, कब, किस अधिवेशन में हुआ? आपको ध्यान रखना है कौन सा अधिवेशन। एक अधिवेशन है 1905 का, दूसरा अधिवेशन है 1906 का अधिवेशन। 1907 का तो सबको पता है, सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1905 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है। कहाँ पर होता है? वाराणसी में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन होता है। क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन होता है। किसका? कांग्रेस का। 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वो करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन करते हैं आपके? दादा भाई नौरोजी करते हैं कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, तो इस सवाल का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रजा ने। उसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? दुर्गादास, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसका फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बायोग्राफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेंड। तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित युग्म कौन सा होगा इसमें? तो वो हो जाएगा आपके पास कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रैंक मॉरिस ने क्या लिखा हुआ है? फ्रैंक मॉरिस ने लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। किसने लिखा हुआ है? फ्रैंक मॉरिस ने लिखा हुआ है। अब ध्यान रखना है कि ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, क्या है? ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इनका जो लेखक है वो है दीनानाथ गोपाल। क्या नाम है इनका? दीनानाथ गोपाल ने क्या लिखा है? ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। दुर्गादास ने क्या लिखा हुआ है? दुर्गादास ने ये किताब लिखी हुई है। कौन सी किताब लिखी हुई है? ये वाली किताब लिखी है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, दुर्गादास ने लिखी है। मौलाना अबुल कलाम, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं मौलाना आज़ाद नहीं है, बल्कि वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि हमें सही युग्म बताना था तो फ्रैंक मॉरिस ने लिखा है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 19 पे आइए। सवाल नंबर 19 पे, निम्न में से किसने वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? आपको पता है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1 अगस्त सिख, ठीक है, उसके बाद देखो ये जो प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था वो? नागपुर का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? नागपुर का अधिवेशन। नागपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? विजय राघवाचारी ने। किसने करी थी? विजय राघवाचारी ने करी थी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि जो प्रस्ताव है वो किसने पारित किया था? वो किसने किया था? सी आर दास ने। किसने किया था? चितरंजन दास ने। अब ध्यान रखना, वो प्रस्ताव किसने तैयार किया था? प्रस्ताव तैयार किया था किसने? तैयार किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी ने किया था, और उसको पेश किया था नागपुर अधिवेशन में चितरंजन दास ने। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ आते हैं लास्ट सवाल पे अपने। लास्ट सवाल है आपके पास, निम्न में से वो कौन था जो
काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। चार ऑप्शन है अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। सीधी सी बात है कि काकोरी षड्यंत्र जो है, ठीक है, काकोरी कांड जिसको कहते हैं, पहली बात तो क्या याद रखना है, काकोरी कांड का अब नाम चेंज हो गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, ठीक है। उसके बाद काकोरी कहाँ पर होती है? ये होता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब काकोरी षड्यंत्र में क्या किया गया था? एक ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है। क्यों लूटा गया था? क्योंकि उसको लूटने के पीछे वजह थी कि भारत में जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों को क्या चाहिए था? संसाधन चाहिए थे, धन और पैसा, धन हथियार, दो चीज़ें चाहिए थी। और ये चीज़ें उनको कहाँ से मिल सकती थी? ब्रिटिशों से मिल सकती थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, काकोरी ट्रेन को लूटा, ठीक है, जो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। तो इस ट्रेन को लूटा। इस ट्रेन को लूटने के बाद जब जांच हुई तो चार व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई। अब ध्यान रखना, चार व्यक्तियों को, ठीक है, चार व्यक्तियों को क्या मिली? फांसी की सज़ा दी गई। चार व्यक्तियों में से तो तीन व्यक्ति यही हैं अपने आप में, ठीक है। एक है आपके पास अशफाक उल्ला खां, दूसरा है राजेंद्र लाहड़ी, तीसरा है रामप्रसाद बिस्मिल और चौथा जो है, चौथे व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम है रोशन सिंह। क्या नाम है? रोशन सिंह, ठीक है, रोशन सिंह। अब ध्यान रखना है कि इन चारों को फांसी कहाँ कहाँ मिली। सबसे पहली चीज़ है राजेंद्र लाहड़ी। राजेंद्र लाहड़ी को फांसी मिली कहाँ पर? गोंडा जेल में। कहाँ पर मिली? तो सबसे पहला है राजेंद्र लाहड़ी। राजेंद्र लाहड़ी को फांसी कहाँ पर मिली? गोंडा जेल में। कहाँ पर मिली आपके? गोंडा जेल में, ठीक है। उसके बाद है अशफाक उल्ला खां, इनको मिली कहाँ पर? फैजाबाद जेल में। इनको कहाँ पर मिली? फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा मिली। रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर मिली? उनको मिली आपके, इनको मिली कहाँ पर? फैजाबाद हो गया, गोंडा हो गया आपका, ठीक है। इनको मिलती है गोरखपुर जेल में। कहाँ पर मिलती है? गोरखपुर जेल में। कहाँ पर मिलती है? गोरखपुर जेल में। एक व्यक्ति जो लास्ट बचता है वो है रोशन सिंह, ठीक है। कौन है? रोशन सिंह। रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती है कहाँ पर? वो दी जाती है इलाहाबाद जेल में। कहाँ पर दी जाती है? इलाहाबाद, जिसको आज की डेट पर हम क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी ट्रेन में शामिल थे लेकिन बच गए थे, भागने में कामयाब हुए थे। चार व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई। कहाँ कहाँ पे दी गई? राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में मिली, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में मिली, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में मिली, ठीक है, और रोशन सिंह को कहाँ पर मिली? इलाहाबाद जेल में फांसी की सज़ा दी गई। तो आज के सवाल जो हमारे थे, ये सवाल थे 20 सवाल, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सवाल कैसे लगे हैं। और एक बात ये कि सवाल आपको यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं लेकिन इससे मेन होता क्लास अटेंड करना, क्योंकि क्लास एक टाइम की पढ़ाई है। अगर एक टाइम पे आप पढ़ाई ठीक से कर रहे हो तो बाद में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे आप जो देखते हो उसके माध्यम से आप अपना बेस ठीक तैयार कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहली चीज़ कि क्लास अगर अटेंड हो तो, ताकि सारी चीज़ें आपको पता हों, आपके माइंड में वो चीज़ें रहें कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पर। क्योंकि समय की भी कमी होती है, फिर इतना हम लंबा वीडियो बना भी नहीं सकते हैं, इस वजह से आपको ये लगता होगा कि थोड़ा जल्दीबाजी में हो रहा है। जल्दीबाजी में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उन बच्चों के काम आएगा जिन्होंने पहले से ठीक से पढ़ा हुआ है। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि पहले क्लास अटेंड कीजिए, फिर धीरे धीरे सवाल तो तब होते हैं, ठीक है। तो बताइए ज़रूर कैसा लगा आपको ये सेशन, ठीक है। धन्यवाद।